हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम दोपहर से स्टार्ट कर रहे हैं। बज गए हैं दोपहर के, एक बच्चे को लेकर आ गए हैं स्कूल से। तो सुबह हम थोड़ा सिलाई में व्यस्त थे दोस्तों, कोई बात नहीं। आप लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है, कौन कौन जा रहा है अपने घर, अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए। भाई मैं तो जा रही हूँ रक्षाबंधन को, और रक्षाबंधन को मैं दिखाऊंगी आपको अपने गाँव का, उन्नाव का, मायका। तो उन्नाव के मेरा मायका देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे कि पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन पे मेरा लाइव शूट नहीं हो पा रहा है, स्ट्राइक करने का बता रहा है। मैं क्योंकि 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, तो जिसको भी इस चीज़ की जानकारी है प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा चैनल बच सकता है। और मेरी बेटी ये देखो क्या कर रही है, इसको देख लीजिए, पूरा लाइटर ख़राब करके रखी है, हटो। तो यही होता है दोस्तों, काम भी करते जाओ, ब्लॉगिंग करो तो ये हो नहीं पाता। और फिर फैमिली में तो जानते ही हो, जो लोग नहीं चाहते हैं ब्लॉग बनाना, उनके सामने मैं कैसे शूट कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, अब मुझे मौका मिल गया है तो मैं अब अपने ब्लॉग की शूट कर रही हूँ। और ये महारानी परेशान कर रही है, हटो लटू, तुमको मारेंगे अभी लटू। ये देखो भैया, ऐसे किसके बच्चे करते हैं, ये देखो क्या कर रही है, क्रीम पाउडर लगा लिया। आटा से जा रही थी मैं जा रही थी दोस्तों पराठा बनाने के लिए। अब मेरे पति भी 2 बजे आएंगे, तो हमने कुछ बनाया ना, तो हमने सोचा गरम गरम पराठा और दही से आज का चल जाएगा काम। तो दोस्तों हम बना रहे पराठा, और ये महारानी पहले से ही किचन में मेरा खाना बनाने के लिए आ गई है, हमको कुछ काम नहीं करने दे रही है। लोग इतना परेशान रह गए, लट्टू हाय करो, हाय बाय बाय करो, बाय बाय। दोस्तों ये है मेरे बच्चे, ये जो मेरा लड़का है इसकी तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर करें। और जिस एक बार मैंने बताया था और लास्ट में भी आपको बता रहे हैं, जिसको भी पता है कि लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम्स आ रही है चैनल स्ट्राइक होने से बचाने के लिए, जो भी आपको पता हो, जो ब्लॉगर हैं जिसके पास भी मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है, तो प्लीज़ मेरी सहायता करो दोस्तों, मुझे मैसेज करो कि मैं कैसे अपने चैनल को बचा सकती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पहले से ही, जो मेरी हेल्प करेगा मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे सपोर्ट करना चाहा। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और इसमें बता रहा भैया 15 मिनट का ब्लॉगिंग बनाओ और थंबनेल लगाओ, थंबनेल में भी दिक्कत आ रही है, उससे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना वीडियो खुद से ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया, चैनल बनाया। अब मुझे थंबनेल बनाना तो आ गया, लेकिन थंबनेल मेरे वीडियो पे लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ब्लॉग में अब हम जा रहे हैं पराठा बनाने। तो धन्यवाद आप लोग मेरे साथ, और आपको हम दिखाएंगे अभी बैग, हमने फेसबुक पेज से मंगाया था, एक मिनट इंतजार कीजिए, मैं जा रही हूँ, बस जाते जाते ही आपको बैग दिख जाएगा। मैं पहुँच रही हूँ अपने अलमारी के पास जहाँ है मेरा बैग, और ये है मेरा रूम, ये मेरे पति का बेड मंगाया गया था, जो पैर से पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ज़मीन में लेटना नहीं था, और मेरा ऊपर वाला रूम है जहाँ पे मैं लेटती थी, तो इसलिए नीचे रूम में उनको बेड से किया गया था। ये नीचे वाला रूम है मेरा, यहाँ पे मेरी माता जी रहती हैं, मैं ऊपर कमरे में शिफ्ट रहती हूँ, मेरा रूम ऊपर ही है दोस्तों। तो अब हम दिखाएँगे आपको बैग, मैंने मंगाया था, कितना फ्रॉड काम होता है दोस्तों, ये बैग हमने मंगाया था, ये बैग मैंने मंगाया था दूसरा, और आया ये वाला बैग, और मुझको ठग लिया है फेसबुक वालों ने दोस्तों, भी ये 100 रुपया वाला बैग हमको 200 में देके हमें ठग लिया गया है फेसबुक से। प्लीज़ ना मंगाना, तो ज़्यादा ही बेटर है, आपको मंगाना ही है तो
आप अदर ऐप से मंगा सकते हैं, लेकिन फेसबुक से बिल्कुल भी ना मंगाएं, क्योंकि मैं तो भैया ठग चुकी हूँ। आप लोग कृपया ना ठगें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैंने अच्छी क्वालिटी का बैग मंगाया था, ये बिल्कुल घटिया किस्म की बैग दिया है। कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है, कलर ठीक लग रहा था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ चारा भी नहीं था मेरे पास, सब क्या करते, मैंने बैग मंगा ही लिया था। तो 200 रुपये में बैग लिया, हमने कहा चलो 200 रुपये गए तो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अपने सामने चीज़ मंगाई है, ज़्यादातर करके शॉपिंग में शॉपिंग जो है इससे ना करें, क्योंकि फेसबुक तो बहुत घटिया पेज है मेरे लिए। अगर आप लोगों को सही लगता है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो भाई बहुत घटिया पेज है, तो मैं भैया नहीं करूँगी दोबारा कभी। कान पकड़ती हूँ मैं, एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा कभी शॉपिंग नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि दूसरे ऐप से शॉपिंग करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो उसमें जो वो होते हैं सेल्समैन होते हैं जो उधर डिलीवर करते हैं, तो उन्होंने खुद ही बताया था कि इससे चीज़ लेना बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें चीज़ सही नहीं मिलती है। मैंने फर्स्ट टाइम नेकलेस मंगाया था, वो जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, और मैं इसमें बता चुकी हूँ, मेरा आईडी का नाम है खुशबू साहू 90। आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरे नेकलेस का वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने बनाया था, वो तो मुझे सही मिल गया था। आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन जिसमें मैं ठग चुकी हूँ भैया, मैंने शादी भाई की शादी के लिए मंगाया था, बट ये गलत हो गया मेरे लिए। कोई बात नहीं, मैं कभी अब कान पकड़ लिया भैया, दोबारा तो शॉपिंग नहीं करूँगा। ये मेहरानी उनको जहाँ जहाँ जाओ पीछे पड़ी रहेंगी, कोई काम नहीं करने देती, इतना परेशान कर लेती। किसी तरह की सिलाई करो तो मशीन पकड़ती रहती हैं, कोई काम करो तो पीछे पीछे, बस कपड़े धुलो तो कपड़े, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, कपड़े धुलती है साथ में। सर्दी अब तो ठंड आ रही, बच्चों को बचाना है भैया, क्योंकि सर्दी है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट बनाएं, आपके सपोर्ट से मैं अपनी पति का सपोर्ट कर सकती हूँ, अपने बच्चे का इलाज करवा सकती हूँ। तो अगर आप लोगों का मेरी बात सही लगती है, अगर दिल से मानते हो मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने कितनी बार इस वीडियो में बोला है कि मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुँचाएँ मेरी प्रॉब्लम को, ताकि लोग समझ सकें, मुझे सपोर्ट कर सकें दोस्तों। और मैंने फिर से बता रही हूँ कि मुझे इसमें स्ट्राइक आने का चांस है दोस्तों, मेरा चैनल जाने वाला है। प्लीज़ अगर जिसको भी जानकारी है, लाइव स्ट्रीम में आया है मेरे में कि प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइव मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैं इस चीज़ को यूट्यूब से कहना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे एक बार मौका दो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहूँगी। और दोस्तों जिसको भी मालूम है इस विषय में, मुझे कमेंट में बता सकता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।